हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ये है, इसमें थ्री प्रोफाइल हैं जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर है एंड सीनियर टेक्नीशियंस हैं। अराउंड 564 वैकेंसी है टोटल। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। सैलरी अच्छी खासी है, आपका जो CTC होगा पर मंथ का 1,77,500 रुपीज़ पर मंथ है, राइट। परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब नहीं है ये। तो चलिए देखते हैं स्टेप वाइज इसमें कैसे आप अप्लाई करोगे एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन फ़ी क्या है, सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप ये एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो के लास्ट में तीन और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जो कि सेम एलिजिबिलिटी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे मैच करेगा, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। ये देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है कम्बाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन 2020 है, इसके थ्रू जो है थ्री प्रोफाइल में वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट है अप्लाई करने का जो है वो है 25 जनवरी 2021। यहाँ तक जो है आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे कर सकते हो और 29 जनवरी तक जो है आप इसमें जो है सबमिट कर दोगे फुल एंड फाइनल, राइट। अब देखते हैं इसमें जो वेबसाइट है upsc.up.nic.in, यहाँ जाके आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। अप्लीकेशन फ़ी जो है आपका जनरल इकोनॉमी का सेक्शन और OBC के लिए 125 रुपीज़ हैं एंड 65 रुपीज़ फॉर SC ST कैंडिडेट। जो डिसेबल पर्सन है, हैंडीकैप्ड पर्सन है, उनके लिए 25 रुपीज़ एग्जामिनेशन अप्लीकेशन फ़ी है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेज इसमें देख लेते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ़ वैकेंसी 564 हैं। सैलरी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन हैं, राइट। ये देखिए 1,77,500 रुपीज़ पे मैट्रिक्स जो है लेवल 10 का अलाउंसेस यू विल गेट ऑन द बेसिस ऑफ पे लेवल ऑफ 10, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो आपका प्रोफाइल जो मैंने बताया था, प्रोफाइल यहाँ पे 3 है। फर्स्ट प्रोफाइल है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, ये दो ऑप्शन रखे गए हैं SSL क्वालिफिकेशंस के। और दूसरा जो है फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर, राइट, प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर में से या फिर फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर इसका रखा गया है ग्रुप 2 में, BSc विथ केमिस्ट्री। और उसके बाद इसमें दिया है BSc विथ एग्रीकल्चर एंड 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एसोसिएट कोर्स इन फ्रूट वेजिटेबल टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोसेसिंग सेंटेंस एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़, MSc या MSc इन फूड प्रिवेंटेशंस, MSc इन फूड साइंस, ये है। और थर्ड जो है आपका सीनियर टेक्नीशियंस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रोनॉमी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज में रखा गया है। इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट ग्रुप A प्लांट प्रोटेक्शंस। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर सीनियर टेक्नीशियन रखा गया है केमिस्ट्री ब्रांच में, उसके बाद डेवलपमेंट ब्रांच में रखा गया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और एज जो है आपका 21 से 40 रखा गया है मैक्सिमम। सैलरी स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको, वेरी करेगा एज पर लाइक प्रोफाइल, सो आप अप्लाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ई एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है नोटिफिकेशन 3, उसमें भी अप्लाई कीजिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू।